गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 24th जनवरी 2022 एंड इन लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। We have completed the book exercises and question answers of the chapter number 18. Now, in today's video, we will complete the book exercises of chapter number 19. So, all of you, at the time when you are watching the video, please take out, open page number 105. Okay? So, name of the chapter, Things We Make. Things We Make. Okay. So, let's start with the first question. That is question number A. Question number A. Fill in the blanks. Fill in the blanks using correct options. Fill in the blanks using correct options. So question number one is, jewelry made of clay is called dash jewelry. Okay, so the jewelry which is made of a clay, that is known as dash jewelry. So jewelry made of clay is called dash jewelry. Option pots, terracotta, option C, varli. So jewelry made of clay is called pot? No. Okay, in the old time, the human beings, early human beings make pot to keep their cereals. जो अनाज जो crops उन्होंने लगाए cultivation की, तो जो crops थे अनाज जो हुआ जैसे rice है wheat है जो भी उन्होंने किया, तो उन containers को pots कहते हैं जिसमें उन्होंने इस cereals को अनाज को क्या किया store किया. ठीक है, barley is a kind of a art. ये भी एक art है. ठीक है, एंड टेराकोटा, टेराकोटा जेनरली मेड ऑफ क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज टेराकोटा. जेनरली मेड ऑफ क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा. Now, question number two. Second one is a dash helped early man. Early man to make
डैश हेल्प अर्ली मैन टू मेक बेटर बेटर टू मेक बेटर क्रॉप्स. ऑप्शन इज टेलर्स व्हील, सेकेंड ऑप्शन पॉटर्स व्हील्स, पॉटर पॉटर्स व्हील कारपेंटर. So, a dash help early man to make better pots. So, in the beginning, when the early man are making pots, that pots, even that pots are not strong, and their shape is also, they can't give good shape to this pots. So, how this is possible? First option is given tailor wheel. So this is not a right answer. By this the tailor stitches the clothes. जो clothes होते हैं बेटा, उनको सिलने के लिए tailor wheel, tailor जो होता है, the person होता है जो clothes को stitch करता है, clothes को बनाता है, ठीक है? तो वो tailor होता है. Carpenter wheel ये भी नहीं right answer होगा. Carpenter the person who do work of the wood. ठीक है, लकड़ी की कुर्सियाँ बनती हैं, table बनती हैं, chair है. ठीक है, अलमीराज हैं, विंडोज बनती हैं. सो ऑल द वर्क ऑफ ए वुड दैट इज डन बाय द कारपेंटर. नाउ पॉटर व्हील इज द राइट आंसर. ओके, सो दैट हेल्प अर्ली मैन टू मेक बेटर पॉट्स. सो नाउ अर्ली ह्यूमन बीइंग लर्न हाउ टू मेक बेटर पॉट्स एंड हाउ टू गिव अ गुड शेप टू द पॉट्स विद द हेल्प ऑफ ए व्हील, विद द हेल्प ऑफ ए व्हील. And this wheel is known as Potter's wheel. Known as Potter's wheel. Next है third one. Our railway station tea is sold in a dash. Option A Kullad, option B Saucer, and option C Plate. ठीक है, तो our railway station tea is sold in a dash, saucer and plate. प्लेट आप लोग ने, सॉसर और प्लेट आपने अपने घर में देखी होगी. अगर नहीं देखी होगी तो आप अपने मम्मी से पूछना. कभी कभी हम लोग जो कप होता है जिसमें चाय पीते हैं, ठीक है, उसके नीचे प्लेट लगाते हैं, ठीक है, तो उसी को सॉसर और प्लेट्स जिसमें आप लोग फूड ईट करते हो, तो ये भी आपने घर में, अगर नहीं आपको पता होगा तो यू आस्क योर मदर विल शो यू दिस यूटेंसिल्स इन द किचन. अब जो रेलवे स्टेशन में जो टी पीते हैं, इट दिस इज अ कुल्लड इज द राइट आंसर एंड इट इज मेड ऑफ द क्ले. ठीक है, ये किससे बना है? मिट्टी से बना है. ठीक है, क्ले से बनता है ये कुल्लड. ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी स्मेल भी आती है. ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे जो टी मिलती है, बिकॉज देखो बेटा प्लास्टिक को बहुत से स्टेट्स बैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक क्या है, जो एनवायरनमेंट है इसको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करती है, क्योंकि प्लास्टिक और चीज़ों की तरह सड़कें
सॉइल का पार्ट नहीं बनती। अगर आप सोचो कि इसको जला दें तो ख़त्म हो जाएगा, तो इससे बहुत से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एयर पोल्यूशन होगा और ऐसे ये लैंड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इज इट क्लियर? बिकॉज ये सड़ती नहीं है, दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ ए सॉइल। सो दिस कूलर दिस आर मेड ऑफ ए क्ले, सो इन रेलवे स्टेशन ही इज सोल्ड इन कूलर। Note down. We have completed question number 8. Now we will start the next question. Question number B. Okay. Give one word answer. So first one is the other name of clay pots. The other name of clay pots So what is the other name of the clay pot, student? So clay pot is also known as earthenware. ठीक है, other name of clay pot is earthenware. So this is the other name of clay pots. Earthenware इसलिए बोला गया है क्योंकि soil की जो mud होती है उसी से तो ये बनते हैं, और एक इस पे बनते हैं wheel पे, and this wheel is known as potter's wheel. और potter वो person होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. Is it clear? So next है second one, the art of making colorful patterns. The art of making colorful patterns with the dry powder. So art of making colorful patterns with dry powder, that is what it is known as rangolis. ठीक है, तो रंगोली हम लोग ड्राई पाउडर से भी बनाते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही कलर कर रहे हैं, वी कैन यूज अदर कलर आल्सो. सो व्हाट वी मेक रंगोलीज. At the time of festivals, आप देखते होंगे कि आपके मम्मी लोग बहुत ब्यूटीफुल रंगोलीज बनाती हैं घर में. ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है people use these leaves. People use these leaves to decorate the entrance to houses. So people use the leaves to decorate
द एंट्रेंस एंट्रेंस टू हाउसेस एंड दिस इज नोन एज टॉरन. ठीक है. एंड वी टेक द लीव्स ऑफ मैंगो ट्री. ठीक है, मैंगो ट्री से हम लोग मैंगो ट्री ले लेते हैं, उसमें कलरफुल क्लोथ भी यूज कर देते हैं, बीड्स जो मोती होते हैं, मिरर्स है, और स्पेशली वी टेक द लीव ऑफ विच ट्री, दैट इज द मैंगो ट्री. तो दैट इज नोन एज अ टोरन. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज दीज आर मेड इन आउटसाइड हाउसेस इन साउदर्न इंडिया. इंडिया आप साउथ में अगर कभी बेटा ऐसे टूरिस्ट अभी कभी भी आप घूमने जाओगे तो आप ये स्पेशली आप साउथ में जितने हाउसेस होंगे वहां पे जितने भी लोग होते हैं दे मेक अ ब्यूटीफुल रंगोलीज आउटसाइड देयर होम्स. ठीक है, तो वो लोग ब्यूटीफुल रंगोलीज ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं आउटसाइड देयर होम्स. ये आपको स्पेशली साउथ में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, अगर कभी आप विजिट करने जाते हो तो आप देखोगे वहां के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने आउटसाइड द हाउसेस दे मेक अ ब्यूटीफुल रंगोलीज by using different colors. Okay, next है fifth. Early man needed this to keep the grains he had grown. अब जो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स पहले क्या थे बेटा, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो दे ऑलवेज मूव एंड दे कवर द डिस्टेंस वाइल वॉकिंग. ओके, एट दैट टाइम द डिस्कवरी ऑफ व्हील डज नॉट टेक प्लेस, सो ऑल द टाइम दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बट वेन द अर्ली मैन कम टू नो हाउ टू डू द कल्टिवेशन, so with this lot of stability come in the life of a early human beings. अब जब early human beings को crop लगाना आ गया तो अब उनकी life में stability आ गई. पहले तो उनको खाने के लिए हमेशा इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन जब वो crop लगाना सीख गए ना तो वो उस जगह पे रहने लगे. ठीक है, तो वही question है कि अर्ली मैन नीडेड दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय द अर्ली मैन टू कैप्ट देयर ग्रेन्स. अब जो क्रॉप्स लगाते थे उस अनाज को रखने के लिए अर्ली मैन को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, तो इसमें बेटा मैं ये बता देता हूं, पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स ने पेड़ों के टहनियों से बास्केट्स भी बनाए थे. आप लोगों ने देखा होगा ना, लकड़ी के भी बास्केट बनते हैं, उन्होंने ऐसे भी कोशिश किया बनाने का. नट शेल्स को यूज़ किया, जो
आप लोग देखते हो नारियल खाते हो, नारियल खाने के बाद अंदर से आप नारियल निकाल लेते हो तो उसका शेल जो आउटसाइड होता है वो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा तो होता नहीं है। अब क्योंकि क्रॉप्स जब लगती है, अनाज इतना ज़्यादा है तो वो कैसे रखेगा, क्योंकि जैसे ही सॉइल के टच में अगर अनाज के दाने आ जाते हैं तो उसमें से न्यू प्लांट्स आ जाते हैं। तो दे यूज व्हाट दे रिक्वायर्ड पॉट्स टू स्टोर द ग्रेन्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।